वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द मारुति स्विफ्ट। भाई इस गाड़ी का ब्लैक पर्ल कलर है, पहली बार मैंने डीलरशिप पर देखा है, बहुत रेयर बता रहे हैं ये लोग, भी बता रहे हैं कि कभी कभी लाइक देखने को मिलता है। एक महीने पहले आया था। अब ये गाड़ी जो आई है ये आपका ZXI मॉडल है पेट्रोल के अंदर। दिस इज़ द स्विफ्ट, काफ़ी क्लासी लग रही है। चाबी आपकी ये दो चाबी आपको कंपनी ऑफर करती है इस गाड़ी के अंदर। पूरी बात करते हैं क्या चीज़ मिलती है, कैसे मिलती है। भाई काले कलर के अंदर गाड़ी जच रही है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, क्या चीज़ कैसे। देखो चाबी जो है गाड़ी की, चाबी काफ़ी कूल सी लगती है। लॉक करता हूँ तो गाड़ी आपकी एक बार मैं लॉक एंड लाइक पूरी लॉक होगी। अनलॉक जब करता हूँ मैं तो आपका लाइक सिर्फ फ्रंट का डोर ही ओपन होता है, रियर डोर ओपन अभी नहीं होता, ठीक है। दोबारा जब आप अनलॉक करोगे इसको तब आपका रियर का डोर जो है वो ओपन होता है, ठीक है। ये सब सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कूल, काफ़ी क्लासी, बढ़िया लगता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अंदर, भाई हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर और DRL वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इससे ऊपर अगर आप ZXI प्लस में जाओगे तो आपको उसके हेडलैम्प के अंदर भी चेंज देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प भी ठीक है, चलो हाई बीम लो बीम इसी में देखने को मिलता है। इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको उसके अंदर। क्रोम का इंसर्ट है फ्रंट की ग्रिल के अंदर, बाकी पूरी ग्रिल आपकी मैट के शेड में है। सुजुकी का लोगो यहाँ देखने को मिलता है आपको उसके अंदर। नीचे की तरफ आपकी जब बात करते हो तो फॉग लैम्प आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज़ इन द हैलोजन। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, मतलब कंप्लीट हैलोजन सेटअप है। LED या प्रोजेक्टर का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर। छोटी वाली पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट के अंदर बाकी ग्रिल काफ़ी बड़ी है, अग्रेसिव लगती है। भाई देखो स्विफ्ट का एक अलग फैन बेस है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिकती है, बढ़िया लगती है। स्किड प्लेट जो है नीचे की, तो लोअर स्किड प्लेट, ये भी आपकी बॉडी कलर्ड ही देखने को मिलती है आपको। प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लगती है। 1200 cc का पेट्रोल इंजन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तकरीबन भाई ये जो गाड़ी आपको पावर देती है, दैट इज़ समथिंग 83 PS की पावर, एंड इसके अंदर आपकी 37 L की पेट्रोल वगैरह की टंकी पूरी मिलती है। उसकी पूरी बात करेंगे क्या चीज़ कैसे है। माइलेज के जो फिगर्स हैं कंपनी जो क्लेम कर रही है इस गाड़ी के लिए, दैट इज़ करीब करीब भाई सड़कों पर आपको 22.83 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है गाड़ी के अंदर। और भी इन पर ब्लिंकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं आपको उसके अंदर। ऊपर FM का एंटीना वगैरह है। इंटीरियर की बात करूं अगर तो इंटीरियर के अंदर टच स्क्रीन वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सब चीज़ से लोडेड है गाड़ी। ये डोर का पल्ला वेटेड सही फील होता है भाई, वजन ना, मतलब क्वालिटी इज़ डिसेंट, सही है। रिक्वेस्ट सेंसर इधर भी है, रिक्वेस्ट सेंसर उधर भी है। कॉस्ट कटिंग मारुति ने नहीं करी कि सिर्फ एक ही तरफ द रिक्वेस्ट सेंसर, ठीक है। तो फ्रंट में मैंने पूरी दिखा दी क्या चीज़ है, सिंपल है, मतलब अच्छी लगती है, काफ़ी बढ़िया सी लगती है देखने के अंदर। साइड प्रोफाइल पे आप जैसे ही आते हो गाड़ी के अंदर, यू सी आपको अपोलो का टायर देखने को मिलता है इसके अंदर। हब कैप पे सुजुकी का लोगो, 4 नट फ्रंट मिलता है, डिस्क पीछे मिलता है आपको, ड्रम ब्रेक्स, एंड यू सी दिस इज द LNAC 4G 185/65R15 15 इंच का सिल्वर क्लीन कट एलॉय ये गाड़ी ऑफर करती है। ORVM पे आपको उसके इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इधर देखने को मिलता है। जब आप गाड़ी खरीदोगे तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी, लाइक डोर वाइजर, विंडो पे क्रोम की बीडिंग वगैरह, वो सब चीज़ आप यहीं से चढ़वा सकते हो। रियर डोर को एक बार दिखाऊँ तो अंदर से भी काफ़ी प्रीमियम है, मतलब सही लगती है। लेगरूम वगैरह नीरूम पूरा चेक करेंगे क्या चीज़ कैसे मिलती है। 37 L की पेट्रोल की टंकी गाड़ी ऑफर करती है आपको। एंड बूट को ओपन करना है तो यहाँ पे हाथ लगा के आपका बूट ओपन। वाइपर देखने को मिलता है, स्विफ्ट की ब्रांडिंग ये रही, सुजुकी का लोगो ये रहा। अब आपको ZXI वगैरह की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती, गवर्नमेंट ने मतलब वो सब चीज़ हटवा दी है जो नॉर्म्स चेंज हुए थे। तो एक बार यहाँ से आ जाओ, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब चीज़ के बटन है। फ्यूल लिट होती है यहाँ से ओपन, एंड आपका जो हुड है वो हुड होता है यहाँ से ओपन, ओपन कर दिया। बूट की पहले बात कर लेता हूँ एक बार, तो रियर में भाई ठीक है, वेट इसका लाइक ज़्यादा भारी नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठीक ठीक फील हो रहा है। फैब्रिक की ही अपोल्स्ट्री है, 60-40 स्प्लिट देखने को मिलता है आपको उसके अंदर। एंड यू सी रियर में कोई लैंप आपको यहाँ पे लाइक ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे लैंप देखने को मिल जाता है, डिसेंट चीज़ लगी इसको। क्या है ये टूल किट है इस गाड़ी की, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको दिखा दूँ नीचे। हाँ जी, तो यू सी माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक रखा हुआ है, यानी 80 km लाइक JK टायर का पहिया है इसके अंदर जो रखा हुआ है। इसका सेक्शन की बात करते हैं हम तो दिस इज़ 165/80R14 14 इंची का लाइक स्पेयर टायर है। 80 km की टॉप स्पीड है लाइक इस पर, ना इससे तेज़ नहीं चलेगा क्योंकि पतले सेक्शन का टायर है ना, तो उससे तेज़ मत चलाना। बाकी बंद करना है तो ग्रैब हैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसे करके कर दो बंद। ZXI प्लस के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, लाइक जो क्रूज़ कंट्रोल बढ़ के मिलता है उसके अंदर, एंड उसमें आपका कैमरा भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी स्पेसिफिक मॉडल में आपका ZXI के अंदर आपको कैमरा नहीं मिलता, सेंसर्स मिल जाते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड 4 चार सेंसर पीछे मिलते हैं, कैमरा नहीं आएगा। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी आपके, एंड स्किड प्लेट जो है कोई अलग से नहीं है, बॉडी कलर्ड बम्पर देखने को मिलता है। वाइपर एरा डिफॉगर यहाँ पर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर है। दिस इज़ द
आपका जो वॉशर फ्लूड निकलेगा यहाँ से निकलेगा। एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर की अगर मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ डिसेंट और स्पोर्टी तो लगती है। एक इनकी स्पोर्ट की किट और आती है, अगर पूरी गाड़ी पर वॉर लगवा लोगे तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी देखने के अंदर। एक बार गाड़ी का हुड मैंने ओपन कर ही दिया, आगे की तरफ से एक बार और चेक कराऊँ तो भाई इधर मैं आया एंड ये इसका हुड है यहाँ से ओपन। ऐसे 12 CC का इंजन है आपका इसके अंदर, ठीक ठीक है यार। तो भाई इसको अभी देख रहे हो, ये 12 CC का इंजन है, 89 PS की पावर देता है एंड 113 Nm का टॉर्क, अंडर बॉडी पूरा कवर डला हुआ है, बहुत सही चीज़ है। बैटरी ये रही, फ्यूज़ बॉक्स उधर की तरफ लेस है आपका, इंजन ये रहा, दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन 12 CC का। थोड़ी वो देख रहे हो क्लेंग, ये और बेटर और इम्प्रूव हो सकती है। डैम्पिंग लग के मिल रही है आपको, ये आपका विंच है यहाँ पे, इसको अटकाओगे थोड़ा आपका रुक जाएगा वहीं की वहीं, बाकी चीज़ तो ओके यार, मतलब रिलायबल गाड़ी है। रीसेल बहुत अच्छी है इसकी, बंद करना है तो ऐसे भाई एक बार में आपकी हो जाती है बंद यहाँ से, ठीक है। मतलब डिसेंट डिसेंट है, पल्ले का जो इसका वजन है ना चद्दर का, और भारी हो सकता है, लाइक ज़्यादा भारी नहीं बोल रहा। दो वाइपर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, सनरूफ वनरूफ तो कुछ भी देखने को नहीं मिलती है स्विफ्ट के अंदर, सनरूफ नहीं आती है। और पीछे से मैंने पूरी दिखाई दी आपको, तो 268 लीटर का बूट वूट देखने को मिलता है। फ्रंट में मिलता है आपको मैकफियर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, रियर में मिलता है आपको टॉर्जन बीम। नॉर्मल यही सस्पेंशन नॉर्मल गाड़ियों में यूज़ करे जाते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती है उनके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इंटीरियर की, क्या चीज़ है कैसे है। डोर के अंदर आपको यहाँ क्रोम देखने को मिलता है, दैट इज़ लुकिंग डिसेंट। सैडन वैडन के टचेज हैं ग्लॉस के अंदर, बढ़िया लग रहे हैं। ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों चीज़ देखने को मिलती है। चाबी के अंदर आपको दो ही बटन देखने को मिलते हैं, लाइक लॉक अनलॉक वाले बटन है, बाकी डिग्गी विग्गी का कोई बटन देखने को नहीं मिलता। अंदर बैठता हूँ एक बार तो भाई केबिन तो इसका प्रीमियम लगता है, 220 की टॉप स्पीड वगैरह दिखा रहा है। एंड पुश बटन स्टार्ट मिलता है आपको इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, सही लगती है गाड़ी तो। प्रीमियम तो नो डाउट फील होती ही होती है। पीला लैम्प यहाँ पर है, यहाँ की बात करूँ तो टिकट होल्डर भी देखने को मिलता है, इधर की बात करूँ तो मिरर देखने को मिलता है, स्क्रीन विस्क्रीन सब चीज़ है। अब एक बार इसका पुश बटन को करते हैं प्रेस, दोबारा करते हैं प्रेस एंड आपका AC जो है ना इसको आपको धीरे करना है, तो AC आपका फ़ैन यहाँ से धीरे होता है, लाइक वेन्यू में जैसे कुछ कंट्रोल देना, Hyundai वेन्यू में वैसे ही कुछ कुछ काम करता है आपका है। यहाँ पे देख रहे हो 220 की टॉप स्पीड वगैरह दिखा रही है, लगती काफ़ी क्लासी सी है भाई साहब। इंडिकेटर वगैरह यहाँ से चालू होंगे, यहाँ से बंद, मैनुअल इनसाइड, रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो लाइक ठीक है, ऑटो ओपनिंग लाइक सॉफ्ट क्लोजिंग, सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, देखो नॉर्मली करता है, ऐसे करके करता हूँ बंद इसको। फैब्रिक वैब्रिक की सीट्स मिलती है, काफ़ी हार्ड मेमोरी फोम देखने को मिलता है, 5 गियर 1 रिवर्स। जैसे ही रिवर्स को एंगेज भी करता हूँ ना मैं आपका, तो इसके अंदर गाइज आपको कैमरा का डिस्प्ले वगैरह नहीं दिखता है, 2 कप होल्डर्स यहाँ देखने को मिलते हैं एंड ऐसे करके आपका इसको म्यूट यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से म्यूट हो गया आपका। यहाँ पे आपको ऑक्स और USB देखने को मिलता है, ऑक्स और USB दोनों आपका यहीं पर प्लेस है, ये देख रहे हो, ये ऑक्स और USB आपको यहाँ पे प्लेस है इसके अंदर। 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, ऐसे अगर खोलूँगा तो ये देख लो। बाकी तो AC का जो डिस्प्ले है वो यहीं पर सब चीज़ देखने को मिलती है, ठंडा गर्म कैसे करना है ना देखो यहाँ से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, कैसे कैसे मोड हैं, ऑफ़ करना है यहाँ से करके ऑफ़ कर दो, सब चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। इसके यहाँ रेड कलर का आपको क्लस्टर देखने को मिलता है ना, उसको टॉगल कर रहे हैं तो 2 डंडियाँ, एक स्टिक यहाँ पर है, एक स्टिक आपको उधर देखने मिलती है। इससे टॉगल करता हूँ तो ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ओडोमीटर की रीडिंग देख रहे हो, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ओडोमीटर की रीडिंग वो सब चीज़ दिखाता है। एंड जब इस वाले से मैं टॉगल करता हूँ उसको तो क्या किलोमीटर पर लीटर दे रही है, क्या एवरेज दे रही है 5.4, यहाँ से क्या रेंज दिखा रही है देख रहे हो, ये रेंज वेंज कैसे क्या है, और यहाँ पे तो सही सही सा हिसाब है भाई गाड़ी के अंदर, सही लगी मुझे तो देखने के अंदर। यहाँ से करके आप इसको दोबारा देखो तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, टॉप मॉडल में ही क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, ZXi प्लस जो है आपका, ये आपका दिस इज़ द ZXi नॉर्मल वाला। इसके लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नॉब देखने को मिलता है, हैंड ब्रेक नॉर्मल था, ये आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता इसके अंदर, आर्मरेस्ट ही नहीं दिया। एंड जो साइड की फोम है ना, लाइक देखो थोड़ी पिचकी पिचकी सी हिली सी है, मतलब चलो ठीक है यार, गाड़ी इतनी प्यारी सी लग रही है। स्टीयरिंग भी आपका फ्लैट बॉटम है, डी कट के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको उसके अंदर रियर वाइपर फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ देखने को मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह नहीं है। इधर की बात करूँगा तो आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं विद द फॉग लैम्प फंक्शन, सब चीज़ आती है, टेलीफोनिक कंट्रोल वगैरह सब चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर ये पैनल खाली है आपका, मतलब डिट्टो खाली है पूरा। यहाँ पे आप देखते हो दिस इज फॉर द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, 220 सब चीज़ टॉप स्पीड वगैरह मैंने आपको दिखा दी क्या चीज़ है। AC के वेंट 4 मिलते हैं आपको। SRS एयरबैग की बात करूँगा तो यू गेट ओनली 2 एयरबैग्स, एक इधर एंड एक उधर, 2 एयरबैग्स भी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ से करते हैं कैंसिल
एंड वही स्क्रीन है इसकी, लाइक ठीक सी लगती है, ज़्यादा कोई खास तो नहीं बोल रहा बट हाँ ओके ओके है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पियानो वियानो के टच से लग रहे हैं, लगती सही है। अब क्या सीन है भाई, यहाँ से कर दो उसको बंद, ये ऐसे बंद हो गया। इधर आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन यहाँ देखने को मिलता है आपको उसके अंदर। बाकी चीज़ क्या है, डोर का जो आपका पल्ला है, दीज आर द ओ आर वी एम भी आपको उसमें देखने को मिलता है, लाइक एडजस्ट वगैरह यहीं से करना है, फोल्ड वगैरह कर रहे हैं यहाँ से फोल्ड हो जाते हैं, लॉक अनलॉक यहाँ से प्रॉपर काम करता है आपका, ठीक है। डोर करता हूँ बंद एंड डोर का जो वेट है वो ज़्यादा भारी नहीं बट ठीक ठीकली वेटेड मिलता है आपको। रियर के डोर को आपको ओपन करना है एक बार, तो रियर डोर को एक बार ओपन करता हूँ मैं एंड यू सी पीछे के डोर के अंदर भी आपको यहाँ पे सैटिन नहीं मिलता। देखो थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी कंपनी ने, क्या करा कि फ्रंट के डोर के अंदर आपको यहाँ पर सैटिन का टच दे दिया, इधर ही सैटिन है, बट रियर डोर की आप जब बात करते हो तो रियर डोर में सैटिन का टच वो नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं भाई थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग, आगे सैटिन इधर सैटिन नहीं दिया, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग, चलो ठीक है। क्रोम बट एटलीस्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सिंपल एंड गुड। अंदर बैठता हूँ मैं, फैब्रिक की ही सीट्स देखने को मिलती है, आर्मरेस्ट नहीं मिलता, 60-40 स्प्लिट मिलता है, आइसोफिक्स स्टाइल सीट की माउंटिंग देखने को मिलती है, रियर में पार्सल शेल्फ वगैरह आपको देखने को मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं फॉर द टू पैसेंजर्स, मिडिल पैसेंजर के लिए नहीं है। बीच में फ्लोर में छोटा सा हम्प है, थोड़ी बहुत जगह यहाँ कप होल्डर वगैरह कह लो क्या है जो भी है, कुछ थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख लो। रियर सीट में पॉकेट नहीं दी है, कवर वगैरह चढ़वाओगे तो कवर पॉकेट मिल जाएगी, बट हाँ इस वाली सीट पे पीछे पॉकेट मिल जाती है आपको। इसका भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह यहाँ से करके ऐसे करके नीचे कर दो उसको। स्विफ्ट यार गाड़ी तगड़ी है, अंडर थाई सपोर्ट लैक कर रहा है, काफ़ी लैक कर रहा है, मतलब लाइक गैप है इधर, ये देख रहे हो, तो अंडर सपोर्ट इज लैगिंग, बट नीरूम इज डिसेंट, नीरूम मुझे ठीक लगा, एंड सनरूफ वगैरह नहीं है ना तो हेडरूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है इसके अंदर, कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ओके लगी मुझे, आपको कैसी लगी भाई? दिस इज़ द स्विफ्ट ZXi मॉडल एंड गाड़ी काफ़ी कूल है, बढ़िया है, ब्लैक कलर के अंदर मैंने पहली बार इस गाड़ी का वीडियो शूट करा है। तो यार मिलते हैं गाइज अगले वीडियो के अंदर, तब तक लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।